जो लोग एजिटेशन भी लीड कर रहे हैं वो भी तो माननीय गृह मंत्री जी से मिलके आए थे पिछली बार, और आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा दी हम पूरे मुतमईन हो गए हैं, और उस दिन और आज में क्या बदला? तो फिर अगर नहीं बदला तो फिर लोगों को भी समझना चाहिए कहीं ना कहीं सियासत सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। ईडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो दूसरी पार्टियां हैं उनका जनाधार खत्म हो रहा है, और चूंकि उनका जनाधार खत्म हो रहा है उनको बखलाहट है, वो ये छोटे छोटे चीज़ों पे अपनी कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें सियासी रोटी सेकी नहीं जाएगी। अल्टीमेटली जब गुज्जर बकरवाल का हाकी नहीं गया तो किस बात की नाराजगी और किस बात की एजिटेशन? गुज्जर बकरवाल को तो नाराजगी तब होगी ना कि अगर आज 100 नौकरियां कल 50 हो जाएं और उनको वो 50 किसी और के साथ शेयर करनी, अगर कल भी 100 थी और आज भी 100 और उन 100 के लिए गुज्जर बकरवाल ने आपस में ही कम्पीट करना, तो किसी को कोई इतराज नहीं है। जम्मू और कश्मीर में इस वक्त एक बहस है, वो बहस ये कि गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग एक 30-32 साल से जो रिजर्वेशन उनको मिली हुई है यानी शेड्यूल ट्राइब, उसमें अब पहाड़ी कबीला भी शामिल होने जा रहा है। क्या पहाड़ी डिज़र्व करते हैं? ये एक बहस है जो बहस इंटेलेक्चुअल्स के बीच में पिछले कई सालों से गर्दिश कर रही है। पहाड़ी ये कहते हैं कि हमारी और गुज्जर कबीले की फाइल एक साथ गई थी, हम एक जगह रहते हैं, एक जगह के हमारे मौशी हालात हैं और एक जैसी ज़िंदगी बसर करते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, एक गांव में एक घर पहाड़ी का है, एक घर गुज्जर का। बिलाखिर पहाड़ियों की वो मांग जो पहाड़ी बताते हैं पिछले 40-50 साल से हमारी मांग थी, किसी सरकार ने नहीं सुनी, बिलाखिर वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर पहुँचती है और भारतीय जनता पार्टी अब जल्द ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने जा रही है। बिल पार्लियामेंट में पेश हो गया है, पास होना बाकी है, और भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त के बिल पेश होने का मतलब भी यही है कि बिल तकरीबन पास हो गया है। देवेंद्र सिंह राणा इस वक्त हमारे मेहमान हैं। ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं ये गुज्जर बकरवाल कबीले के हैं, इस वक्त ये वफद है गुज्जर बकरवाल कबीले का। इनके साथ बहुत देर इनकी बात होती रही, हम भी पीछे बैठकर सुनते रहे, वो विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे। क्या खदशात हैं, क्या बातचीत हुई, देवेंद्र सिंह राणा क्या कहते हैं पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब में शामिल किए जाने के इस मुद्दे पर? सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर ये बताइएगा कि आप इस वक्त गुज्जर बकरवाल कबीले के वफद से मिल रहे हैं, क्या आप इनको ये समझाने में कामयाब हुए हैं कि रिज़र्वेशन आपकी के साथ, जैसे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार बार कहा कि आपकी रिज़र्वेशन के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन गुज्जर बकरवाल कबीले के जहन में खदशात अब भी हैं, तो क्या आप इन लोगों को, ये चीदा लोग जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, इनको समझाने में कामयाब हुए कि आपके साथ छेड़ा नहीं जाएगा, पहाड़ियों को अलग से रिज़र्वेशन दी जा रही है? सर देखिए, पहले तो मैं आपको ये वाजे कर दूं कि ये जो गुज्जर बकरवाल लोग मेरे पास आए हैं, मेरा इनके साथ 20-25 साल का एक पारिवारिक रिश्ता है, सियासी नहीं पारिवारिक, और ये आज मुझसे मिलने आए हैं क्योंकि कुछ लोगों ने इनमें कुछ खदशात डाले हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि पहाड़ियों को एक स्टेटस मिला है, मिलने जा रहा है, और वो उनकी बड़ी दरीना मांग थी। तो गुज्जर बिरादरी में, गुज्जर बकरवाल बिरादरी में कुछ खदशात थे कि भाई हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हमारी एडमिशन्स जो यूनिवर्सिटी में हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, कॉलेजेस में हो जाएंगी। तो माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी ने आज से कोई एक साल पहले यहाँ के गुज्जर बकरवाल समुदाय को संबोधन किया और ये वाजे कर दिया कि उनकी रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और फिर अब हाल ही में कोई 15 दिन पहले जब गुज्जर एक डेलीगेशन वहाँ गया था जिसमें चौधरी अरशद साहब भी थे जो इस वक्त भी यहाँ बैठे हुए हैं और बाकी लोग भी वहाँ थे,
उसमें फिर उन्होंने कहा कि आपकी रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो आज जब हम यही बैठे हैं तो हम यही बात कर रहे थे कि जब अगर 100 नौकरियां आज गुज्जर बकरवाल को मिल रही हैं, पहाड़ियों को क्या मिलता है नहीं मिलता वो अलग बात है, कल भी 100 ही मिलेंगी, और उन 100 नौकरियों में केवल और केवल गुज्जर और बकरवाल ही कंपीट करेंगे तो इनको किस चीज का एतराज है? तो ये समझते हैं कि कोई एतराज नहीं है। ठीक, उसी तरह अगर आज 100 एडमिशन्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, या डिग्री कॉलेजेस हो गए, या कोई भी कॉलेजेस हो गए, अगर 100 एडमिशन है तो कल भी 100 होंगी, 99 नहीं होंगी, और वो जो एडमिशन होंगी उनमें कंपटीशन भी गुज्जर बकरवाल का आपस में होगा। ठीक सर, तो मुझे बताइए कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को जब नुकसान नहीं हो रहा तो किसी को अगर कुछ भी स्टेटस मिल रहा है तो उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। गुज्जर बकरवाल को अपना जो स्टेटस मिला है वो कायम है जी। अब ये कहना कि भाई मेरा भी कायम है लेकिन उसको ना दो, वो तो कोई बात बनती नहीं जी। हाँ, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को मैं समझता हूँ कि एतराज तब होता कि अगर उनका शेर काटा जाता। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, जिन्होंने इतनी समझदारी से इस बिल को लाया है कि जहां पहाड़ियों की दरीना मांग भी पूरी हो गई और गुज्जर बकरवालों का हक भी जो है वो खराब नहीं हुआ। ठीक सर, गुज्जर बकरवाल को इतराज तो तब होता ना अगर उसका हक खाया जाता। ठीक सर, जब गुज्जर बकरवाल का हक नहीं खाया गया तो किसी और को क्या दिया जा रहा है उसमें उनको कोई एतराज नहीं हो सकता, ना कर सकते हैं वो एतराज। ठीक सर, एक तो बोल, दूसरा ये जो गृह मंत्री साहब ने आश्वासन दिया है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जो जिनको लव पुरुष कहते हैं लोग, आपने 9 साल में देखा उनकी बात पत्थर की लकीर होती है। ठीक सर, या तो वो बात करते नहीं, जब वो करते हैं तो वो बात पत्थर की लकीर होती है। उन्होंने अगर गुज्जर बकरवाल समुदाय को जम्मू में, भगवती नगर में और रजौरी में सरेआम पब्लिक गैदरिंग में ये आश्वासन दिया है तो याद रखिए, मैं ये समझता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गृह मंत्री जो हैं, मेरे नेता जो हैं, उनकी बात जो है वो बिल्कुल अटल है और पत्थर की लकीर है। किसी भी गुज्जर बकरवाल को इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। जब अमित शाह जी ने कह दिया कि तुम्हारी नौकरियां और तुम्हारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिजर्वेशन में रत्ती भर का असर नहीं पड़ेगा तो मैं यकीनन, मुझे यकीन है उनकी कार्यप्रणाली को देखकर, मैं यकीन से कह सकता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि गुज्जर बकरवाल को एक छोटे पैसे का नुकसान भी नहीं होगा। सर एक चीज़ ये बताइएगा, ये तो हुई स्टेट लेवल की बात, अगर हम ज़रा जम्मू कश्मीर से बाहर निकलते हैं तो बाहर की रिजर्वेशन जो है वो सबके लिए बराबर हो जाएगी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बाहर तो कम्पीट सबने बराबर करना है सर। 17 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में जो इस वक्त ST हैं। ठीक सर, उसमें गुज्जर बकरवाल भी होगा कितना? कोई जम्मू कश्मीर का कितना होगा? 35-40 लाख। 35 लाख होगा, ठीक है जी। और पहाड़ी जो है 4 लाख है, तो 4 लाख, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, 17 करोड़ में क्या फर्क पड़ता है 4 लाख इधर है उधर है, तो वो बात नहीं जी। अच्छा सर, ये नेशनल लेवल पर कोई फर्क नहीं किसी को पड़ेगा जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक चीज आपसे ये जानने की है, जो नौजवान सड़कों पे हैं इस वक्त, पुंछ में भी आपने रैली देखी, कश्मीर में भी अलग अलग जगहों पर रैली हुई है और राजौरी में 7 तारीख को रैली होने जा रही है, क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी या ये जो चीदा चीदा लोग आपके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं उन नौजवानों को समझाने में नाकाम हो रहे हैं कि भाई आपकी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो यहाँ मौजूदीन बैठे हैं, अगर आप देखें तो जम्मू सांबा कठुआ के यहाँ जो लोग हैं, क्रीम बैठी हुई है और ये बड़े पुराने लोग हैं और सरपंच भी हैं, BDC चेयरमैन भी हैं और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं इस सूबे के, इनको बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि अगर जब बच्चों की बच्चे बेचारे वो उनको मालूम ही नहीं है,
जब तक उन तक बात नहीं पहुंचेगी और वो बच्चे समझ जाएंगे। कुछ लोग इसमें सियासत खेलना चाहते हैं। पीडीपी, एक मिनट भाई, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो दूसरी पार्टियां हैं उनका जनाधार खत्म हो रहा है। अच्छा, और चूंकि उनका जनाधार खत्म हो रहा है उनको बखलात है, वो ये छोटे छोटे चीज़ों पे अपनी कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें सियासी रोटी सेकी नहीं जाएगी। अल्टीमेटली जब गुज्जर बकरवाल का हाकी नहीं गया तो किस बात की नाराजगी और किस बात की एजिटेशन। गुज्जर बकरवाल को तो नाराजगी तब होगी ना कि अगर आज 100 नौकरियां कल 50 हो जाए और उनको वो 50 किसी और के साथ शेयर करनी। अगर कल भी 100 थी और आज भी 100 है, उन 100 के लिए गुज्जर बकरवाल ने आपस में ही कम्पीट करना, तो किसी को कोई इतराज नहीं है। बाकी मैं ये समझता हूं कि जो लोग एजिटेशन भी लीड कर रहे हैं वो भी तो माननीय गृह मंत्री जी से मिलके आए थे पिछली बार, और आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हम पूरे मुतमईन हो गए हैं, और उस दिन और आज में क्या बदला। तो फिर अगर नहीं बदला तो फिर लोगों को भी समझना चाहिए, कहीं ना कहीं सियासत सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। सर एक चीज ये बताइएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा आपके माध्यम से, रजौरी पुंछ हो या पूरा जम्मू खिता हो, हम लोग आपस में बड़े प्यार के साथ रहते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सियासत को बालतर रख के मैं बात कर रहा हूँ। हमारा एक अपना अपनी तहजीब है, हमारा एक अपना कल्चर है, और उस कल्चर को हमने अपने तरीके से संभाल के रखा है, और उसमें हमने ज़ात, बरादरी और मज़हब को कभी बीच में नहीं आने दिया। मेरी सिर्फ गुजारिश सियासी लोगों से है कि सियासत के चलते लोगों में बंटवारा ना करें, लोगों को गुमराह ना करें, कुछ नहीं होना। वो सूर्य अस्त हो चुका उनका, वो सियासत जो 2% या 3% पे खेलते थे वो खत्म हो चुकी है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, रोज कहते हैं इंतखाबात करवाइए, इंतखाबात करवाइए, मैं भी कहता हूं इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात हो गए तो कईयों का तो एड्रेस ही नहीं मिलेगा इस जम्मू कश्मीर की सियासत में। पर मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि मुट्ठी, आपकी मुट्ठी से रेत निकल चुकी है, जो आप चाहते हैं कि इजारेदारी बनी रहे एक ही कौम की, एक ही तबके की, वो भी एक तबका जो एक तबके इलाके में रहता है, वो ख़त्म हो गई है। भाजपा चाहती है कि हर शख्स को बराबरी का हक मिले, हर आदमी को उसका बराबरी का मकाम मिले, हर एक आदमी तरक्की में और प्रगति में बराबर का हिस्सेदार बने, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। एक की दूसरे के ऊपर इजारेदारी ना हो और एक दूसरे के मतहत ना हो, खा कोई भी इलाका हो, खा कोई भी मजहब हो, कोई भी जात हो, कोई भी बरादरी हो, जो जम्मू कश्मीर में रहने वाला उसको बराबरी का हक मिले, और किसी का हक छीन के नहीं, हर एक अपना हक बरकरार रखकर अगर दूसरे को हक दिया जा रहा है तो मुझे लगता है किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमारी बकरवाल कम्युनिटी है, मैं तो बड़ी देर से इनके साथ डील कर रहा हूं, बकरवाल जितने भी हैं इनके पास जमीन नहीं है। एक माटू होता है, माटू कहते हैं, ये माटू है हमारे पास, उस माटू पे इनको कुछ नहीं मिलता। पहली बार ये सरकार कुछ ही दिनों में 8 या 10 हजार बकरवालों को 5-5 मरले के PMAY में प्लाट दे के मकान बना के दे रही है। बताइए बताइए, इनको हक नहीं था। और जो लोग आज बहुत पीड़ित हो रहे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहाड़ियों की भी बड़ी दरीना डिमांड थी, अगर पहाड़ियों की डिमांड मानी जा रही है बिना गुज्जर बकरवाल लोगों के हक को छीने हुए, तो मैं समझता हूँ सलाम करनी चाहिए हमें बीजेपी की दिल्ली की लीडरशिप को, जिन्होंने इतना खूबसूरत फैसला किया और इतना खूबसूरत फार्मूला बनाया कि पहाड़ी को भी रिजर्वेशन मिल जाए और गुज्जर बकरवाल का हक ना जाए। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई तजाद ही नहीं होना चाहिए।
सर एक चीज़ आप समझाइएगा, इस पूरी बहस में पहाड़ी एक तरफ, गुजर बकरवाल एक तरफ, इस पूरी बहस में सियासी फ़ायदा बिलाखिर किस जमात को होने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें सियासत कर रही है या बाकी जमातें इसमें सियासत कर रही हैं? एंड क्या होना है सर इसका? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की शक्ल सूरत बदली है, प्रगति की राह पे जम्मू कश्मीर आगे अग्रसर हुआ है, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो रहा है, अमन और शांति का माहौल है, पथराव बंद हो गया है, हड़तालों का पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है। आपने देखा अभी महरम का जुलूस जो है 34 साल के बाद निकला, और उसमें अगर आपने देखा कि महामहिम मनोज सिन्हा जी खुद जुलूस में शामिल हुए डाउनटाउन में जाके। आप अमरनाथ जी की यात्रा देख लीजिए, जिस इस बार सावन का जो पवित्र महीना है वो 2 महीने चल रहा है, और रिकॉर्ड लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए आए और बड़े अमन व अमान से आए, जम्मू में भी रहे, जगह जगह रहे, प्यार और मोहब्बत से रहे। टूरिज्म आज एक नए मियार पे पहुंच चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटरवेंशन जो है आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से जम्मू में या कहीं पे भी बन रहा है, जम्मू 5 साल के बाद नॉर्दर्न इंडिया का नंबर 1 शहर बन के आएगा, आप ये नोट करके रखिए। जम्मू पॉलिटिकली एम्पावर हुआ, और मैं जम्मू की जब बात करता हूँ तो जम्मू का मतलब नहीं है जम्मू शहर, जम्मू सूबा। आप जानते हैं कि जम्मू सूबे के साथ इस पहले किस तरह का आज बराबरी है, जहाँ कश्मीर की तरक्की हो रही है, अमन आ रहा है, जम्मू भी आगे बढ़ रहा है, और एक ऐसा माहौल बनाया है जिसमें सबकी तरक्की हो रही है। जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ रहा है, एक नया जम्मू कश्मीर की तामीर हो रही है, एक अमन और शांति का माहौल बन रहा है जिसमें सब लोगों का बेहतरी और फलाह बहबूद हो रहा है। मैं ये समझता हूँ इस वक्त हम लोगों को सियासत से ऊपर उठना चाहिए, और हम सब लोगों को इकट्ठे होकर बिना लिहाज व मजहब व मिल्लत, ज़ात बरादरी ज़ुबान, इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर को मजबूत करना चाहिए। और ये जो लोग रोज नए नए बयान देते हैं, इनसे भी कहूँगा परहेज करें, यहाँ बहुत लाशें गिरी, कौन जिम्मेवार है कौन नहीं है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अब दोगली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, अब सच्चाई पे मगनी पॉलिटिक्स चलेगी, अब पॉलिटिक्स चलेगी जम्मू कश्मीर की बेहतरी की, अब पॉलिटिक्स चलेगी इंक्लूसिवनेस की, अब पॉलिटिक्स चलेगी हर आदमी को उसका हक देने की। फॉरेस्ट राइट एक्ट गुजर बकरवाल को क्यों नहीं मिला इतने साल, क्यों नहीं लागू हुआ? बकरवालों को जमीनें क्यों नहीं दी गई? ट्राइबल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है पिछले 2 साल में बन रहा है, वो आज तक क्यों नहीं बना? और मैं आज आपको बता दूं, नई जो रिपोर्ट आई है, कल आउटलुक वाले मुझे टेलीफोन कर रहे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन 25% से 15% पे आ गए हैं लोग, कैसे 10% खत्म हो गया? ये यहाँ सरपंच भी बैठे हैं, BDC भी बैठे हैं, 40-50 लाख रुपया जहाँ पंचायत में आता था, आज 3-3, 4-4 करोड़ रुपया आया, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, पैसा इकॉनमी में आ रहा है और अग्रसर हो रहा है, बेहतरी हो रही है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि हम लोगों को सबको अपनी सियासत से ऊपर उठकर, अपने आप से ऊपर उठकर, अपने जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में मिलाते हुए जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। गुज्जर बकरवाल कबीला सड़कों पर और पहाड़ियों को जल्द रिजर्वेशन मिलने जा रही है। इससे पहले जिन सियासी लोगों से हमने, ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर का ताल्लुक खुद पहाड़ी कबीले से है, तो चूँकि चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे विभूत गुप्ता जी हों, तो ये खुद एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और उस तबके को अब रिज़र्वेशन मिलने जा रही है, तो जाहिर है उसकी बात उतना असर नहीं रखेगी।
देवेंद्र सिंह राणा, जिनको अभी रिजर्वेशन में शामिल नहीं किया गया है, अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या बनता है, क्या अगर कल ये फैसला हो जाता है कि भाई मलोरी के, डोडा के जो राणा हैं वो भी, उनको भी शेड्यूल ट्राइब मिलेगा, तो मेरे गुज्जर बकरवाल का अगर हक नहीं जा रहा, मुझे नहीं लगता इनमें से किसी को इतराज होना चाहिए अगर मुझे मिल जाए। रिजर्वेशन किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, ये बाकायदा एक कमीशन तय होता है। ऐसा नहीं है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर या होम मिनिस्टर कहीं पर भी बैठकर ये फैसला फरमा दें कि भाई फला फला कबीले इस रिजर्वेशन में शामिल हैं, ऐसा नहीं होता है। पहाड़ी कबीले के साथ भी ऐसा ही हुआ है, बाकायदा कमीशन मुकर्रर किया गया है और उस कमीशन ने यह तय किया कि इस कबीले को इस जुमरे में, एसटी के जुमरे में शामिल किया जाना चाहिए। बिल पार्लियामेंट में है और पहाड़ी कबीले को ये उम्मीद है कि एक दिन दो दिन में वो बिल पास हो जाएगा। मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, जो मेरे ख्याल में जो बात कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, माननीय गृह मंत्री जी ने बजात खुद गुर्जर समुदाय को भी ये बात कही, दिल्ली में भी, जम्मू में भी, जो उनको डेपुटेशन मिली, और यहाँ भगवती नगर में एलानिया पब्लिक इजलास में कहा, और रजौरी में भी जब पब्लिक इजलास हुआ उसमें भी यही कहा, और कुपवाड़ा में भी यही कहा कि जो गुज्जर बकरवाल समुदाय है उनकी रिजर्वेशन में रत्ती भर का फर्क नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी बात कोई नहीं। एक बहुत अहम बात जो मैं भी दो तीन बार अपनी स्टोरीज में या इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि जिन लोगों के पुतले राजौरी में जलाए गए और ये कहा गया कि इस बार होम मिनिस्टर से जो मिलकर आए हैं उन्होंने गद्दारी की है कौम के साथ, आज से 6 महीने पहले वही लोग जो सड़कों पर हैं वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिल चुके हैं और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने तब भी यही कहा था कि आपके साथ नहीं छेड़ा जा रहा है, पहाड़ियों को हम शामिल कर रहे हैं। 6 महीने गुजरने के बाद नहीं, उसके बाद आके उन्होंने कौम को ये कहा, उन्होंने गुज्जर बकरवालों को आके संबोधित किया और कहा कि आप मुतमईन रहिए, हम माननीय गृह मंत्री जी से मिल आए हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया कि आपसे छेड़छाड़ नहीं होगी। तो आज मुझे समझ नहीं आता, 6 महीने पहले जो मुतमईन थे, 6 महीने बाद बात वही है, लेकिन वो मुतमईन क्यों नहीं है, ये बात ज़रा सोचने की है। अब देखते हैं कि बिल कब पास होता है और वो जो लोग सड़कों पर हैं वो अपने घरों में कब जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।